तो इस कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस को दिखाया जाता है। ये वक्त है 2016 का। आईफिल टॉवर के पास दो MIB यानी मैन इन ब्लैक एजेंसी के एजेंट्स आए थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि आईफिल टॉवर के पास एक एलियन आने वाला है और मैन इन ब्लैक एजेंसी इस दुनिया में आने वाले एलियंस को पकड़ने, उनकी हिफाजत करने और उनसे इस दुनिया की हिफाजत करने का काम करती है। इस मरतबा जो दुनिया में एलियन आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो दुनिया में एक सिंक होल बनाना चाहता था जिससे ये दुनिया तबाह हो जाती। ये दोनों एजेंट्स आईफिल टॉवर के ऊपर जाकर उस एलियन की तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और सीन यहीं से कट होकर हमें 1966 का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त अमेरिका के एक छोटे से घर में एक छोटा सा एलियन उतर आया था। मोली जो इस घर में रहती थी वो इस एलियन को देख चुकी थी। इस एलियन को आए ज्यादा वक्त गुजरा नहीं था कि यहाँ पर MIB यानी मैन इन ब्लैक के एजेंट्स आ गए थे। वो मोली के मॉम डैड को घर से बाहर मुलाकर उनसे एलियन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन दोनों ने तो घर में कोई एलियन देखा ही नहीं। वो कैसे मान लेते कि उनके घर में कोई एलियन है? MIB के एजेंट्स को जैसे ही उनकी बात का एतबार होता है वो उनकी याददाश्त मिटाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और ये सब मूली देख चुकी थी कि कैसे MIB के एजेंट्स ने उसके माँ बाप की याददाश्त मिटाई थी। मूली को ये छोटा सा एलियन पसंद आया था, इसलिए मूली ने MIB के एजेंट्स से उसकी जान बचा ली। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मूली उस दिन हुई किसी भी चीज को नहीं भूल पा रही थी। वो बड़ी भी हो गई, लेकिन वो रात उसके दिमाग में 100 सवाल आती थी कि आखिर वो एलियन कहाँ से आया, MIB कहाँ है। उसने MIB के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की, बहुत से लोगों से पूछा, इंटरनेट पे भी सर्च किया, लेकिन सारे ऐसा रिस्पॉन्स करते थे जैसे MIB इस दुनिया में हो ही ना, पर वो सब की बात कैसे मान लेती। उसने तो MIB को अपनी आंखों से देखा था। उसके जिंदगी का तब से एक ही मकसद बनकर रह गया था, MIB को ढूंढना और वहाँ की एक एजेंट बनना। वो MIB को ढूंढने के लिए बहुत जतन करती है और एक दिन उसे आइडिया आता है नासा की सैटेलाइट को हैक करने का, ताकि वो इस बात का पता चला सके कि कोई एलियन कब इस दुनिया में आएगा। इस मरतबा उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है, क्योंकि इस मरतबा उसे पता चल गया था कि जल्द ही इस जमीन पे एलियन आने वाला है। साथ ही मूली को उस एलियन की लोकेशन का भी पता चल चुका था, जिस जगह वो इस दुनिया पे लैंड कर रहा था। मूली बिना वक्त जाया किए उस जगह पे जाती है, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ भी यानी कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही। उदास वो यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पे उड़ने वाले कबूतर अचानक एक ना नजर आने वाली दीवार के पार जाकर गायब हो गए हैं। मूली भी आगे बढ़कर उस ना नजर आने वाली दीवार पे हाथ डालती है और फिर उसके अंदर चली जाती है। यहाँ का नजारा उसे हैरान कर गया था। उसके सामने एक बहुत बड़ी सी एलियन शिप थी, जिसके अंदर से एक ग्रीन कलर का एलियन निकला था और इस एलियन को MIB के एजेंट्स पकड़ चुके थे। अपनी गाड़ी में बिठा कर वो इसे अपने हेडक्वार्टर की तरफ ले जाते हैं। मूली भी इनका पीछा करती है और पहुंच जाती है MIB के हेडक्वार्टर। उसकी बचपन की तलाश खत्म हो गई थी। उसके सामने MIB का हेडक्वार्टर था, जिसके वो अंदर भी चली जाती है। उसे गार्ड्स ने रोका भी नहीं, क्योंकि उसने MIB के एजेंट जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ऊपर जाते ही वो पकड़ी गई, धोखे से जो आई थी। हेडक्वार्टर में एजेंटो मूली की फाइल्स चेक करती है ये पता चलाने के लिए कि आखिर वो यहाँ आई कैसे, क्या वो स्पाई थी। पर उन्हें मूली की फाइल में कुछ ऐसा गलत नहीं मिलता। वो अब अपने दूसरे एजेंट से कहती है, शायद इसका आना यहाँ पे एक एक्सीडेंट ही है, मुझे लगता है हमें इसकी याददाश्त मिटा के इसे यहाँ से बाहर छोड़ देना चाहिए। मूली उनकी ये बातें सुन लेती है और एजेंट उसे कहती है, लिसन प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा, मेरी याददाश्त मत मिटाइएगा। मैं जब बहुत छोटी थी तब से MIB को जानती हूँ। वो मेरे घर एलियन ढूंढने आए थे, जिस एलियन को मैंने बचा लिया था। MIB मेरे मॉम डैड से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनकी याददाश्त मिटाकर तो चले गए, लेकिन मेरे जहन से वो सब आज तक नहीं निकला। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, MIB की एजेंट बनना। प्लीज मुझे एक चांस तो दें। देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। MIB को भी किसी एक एजेंट की जरूरत तो थी, इसीलिए एजेंटो उसे MIB में रखने के लिए मान जाती है। पर कहती है, याद रखो अभी तुम्हारी ये टेम्परेरी जॉब है, अगर हमें तुम्हारा काम पसंद आया तभी हम तुम्हें परमानेंट करेंगे, वरना तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी यहाँ पर भी जरूरत नहीं, तुम्हें लंदन जाना होगा। जिस ट्रेन से वो लंदन जा रही थी उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी। चंद ही सेकंड्स में वो उसे लंदन पहुंचा देती है। लंदन में MIB के हेडक्वार्टर आने पर उसकी मुलाकात होती है एजेंट हाइटी से, जो उसे MIB के रूल्स, यहाँ पर काम करने के तरीके और बहुत कुछ बताता है। साथ में उसे यहाँ बहुत से एडवांस गैजेट भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो वो इस्तेमाल भी कर सकती थी। लेकिन अभी मूली किसी मिशन पे नहीं जा सकती, इसीलिए इनका प्रॉपर यूज कर पाना अभी मुश्किल था। पर मूली को तो मिशन पे जाना था, उसका ख्वाब था एलियन से लड़ने का। सीन कट होता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात में एक आदमी सफाई कर रहा था।
अचानक ही होटल्स की लाइट बिखर करना शुरू कर देती है। वो इन लाइट्स को ठीक करने के लिए छत पर मेन स्विच पे जाता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके पीछे बिजली चमकने लगी थी। ये असल में बिजली नहीं थी बल्कि दो एलियंस थे। इन एलियंस को ट्विंस ही कहा जाता है, जो यहाँ अब इस आदमी को मारकर इसकी बॉडी ले चुके थे। ये ट्विंस अब एक ऐसी दुकान में जाते हैं जहाँ हमें और भी एलियंस देखने को मिल रही है। इधर से उन्हें एक खास एलियन का पता चलाना था जिसे वो मारना चाहते थे। खैर, सीन दोबारा MIB पे शिफ्ट होते हैं और दोबारा हम मूली को देखते हैं। मूली को अब MIB में काम करते हुए काफी टाइम गुजर चुका है। यहाँ MIB के अंदर भी कुछ एलियंस हैं जो मूली के दोस्त बन गए हैं। यहाँ पहली मरतबा मूली देखती है एजेंट एच को। एलियंस बताते हैं कि एजेंट एच यहाँ के सबसे बेस्ट एजेंट है और MIB के तकरीबन मिशन इन्होंने ही पूरे किए हैं। कहीं इसी ऑफिस में हाइटी अपने कुछ एजेंट्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, जो बताते हैं कि दुनिया में दूसरे प्लेनेट से एक रॉयल फैमिली का एलियन आया हुआ है। वो अर्थ के लिए बहुत फ्रेंडली है, यानी उससे अर्थ को कोई खतरा नहीं। लेकिन अब MIB को खबर मिली है कि उस एलियन की जान को खतरा है। अगर उस एलियन को कुछ भी हुआ तो उसकी फैमिली इस अर्थ को तबाह कर देगी, इसीलिए हमें उसकी हिफाजत करनी होगी, जिसकी जिम्मेदारी अब एजेंट एच की है। जैसे ही मूली को ये खबर मिलती है कि एजेंट एच को एक नया मिशन मिला है, तो फौरन एच से मिलने के लिए जाती है। उसकी मिनते करना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे इस मिशन में रख लें, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन एच मना कर देता है क्योंकि वो अकेले काम करने का आदी था। पर मूली के बहुत मनाने पे आखिर वो मान ही जाता है। ये दोनों अब जाते हैं रात में एक पार्टी में, जहाँ पर वोकस एंजॉय कर रहा था। पता चलता है कि एजेंट एच वोकस को पहले से ही जानते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ पार्टी करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ ट्विंस भी आ गए थे। मौका देखते ही ये लोग यहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी बॉल छोड़ते हैं, जो एनर्जी बॉल जाकर वोकस को लग जाती है, जिसकी वजह से वोकस की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ऐसी हालत में वो एच से कह रहा था मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तब मूली और एच उसे क्लब से बाहर ले आते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ से दूर एक सेफ जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी के थोड़ी ही आगे जाने पर ट्विंस उस कार का एक्सीडेंट भी कर देते हैं। गाड़ी उलट जाती है। एजेंट एच और मूली ट्विंस को देख चुके थे, इसलिए वो दोनों उनको पकड़ने और उनसे लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। एच कहता है मूली मैंने संभालूंगा, तुम जाओ जाकर वोकस को देखो। मूली जब वोकस के पास जाती है तो उसकी हालत मरने के करीब थी। मरने से पहले वो मूली से कहता है मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। शायद मैं ये बात एच को ना बता पाता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि एजेंट एच और MIB पहले जैसे नहीं रहे। चीजें बिगड़ती जा रही हैं और अगर जल्द ही चीजों को ठीक ना किया गया तो ये अर्थ खतरे में पड़ सकती है। ये कहते हुए वो उसे एक क्रिस्टल भी देता है जो अर्थ को बचा सकता था। ये क्रिस्टल मूली को देते ही वोकस की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मूली देखती है कि एजेंट एच अभी भी ट्विंस से लड़ रहे थे। वो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ ट्विंस से लड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते यहाँ MIB के और भी एजेंट आ चुके थे, जिन्हें देखते ही ट्विंस यहाँ से भाग जाते हैं। मूली और एच हेडक्वार्टर वापस आते हैं। आते ही उन्हें अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी। वो वोकस की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जो उनकी ड्यूटी थी, और अब ऐसे अर्थ पे एक और बड़ा खतरा आ रहा था। इन सारी बातों के दौरान हम नोटिस करते हैं कि मूली बिल्कुल खामोश है, क्योंकि अभी तक वो वोकस की बातों को सोच रही है। इसीलिए उसने वोकस के दिए हुए क्रिस्टल के बारे में भी यहाँ किसी को नहीं बताया। यहाँ मीटिंग में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि MIB के लोग मूली और एच दोनों को ही यहाँ से निकालने वाले थे, और इससे पहले वो उनकी याददाश्त मिटा देते। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही मूली बोल पड़ती है और कहती है कि वोकस उस टाइम कहाँ था, क्या कर रहा था। ये बात MIB के वो लोग जानते थे जो हाइटी के साथ मीटिंग में थे। उसके बावजूद वोकस पर हमला हुआ, और इसका साफ मतलब है कि जरूर हम में से कोई गद्दार है। उसकी ये बात हाइटी को भी सोच में डाल गई थी। एजेंट एच अब इन सब लोगों से कहते हैं प्लीज मेरे पे भरोसा रखें, मुझे एक मौका और दे, मैं ट्विंस को ढूंढ लाऊंगा। हाइटी इन्हें मौका देने के लिए मान गए थे। अभी दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और मूली एजेंट एच से सवाल करती है तुमने कह तो दिया हम ट्विंस को पकड़ लाएंगे, लेकिन ये काम हम कैसे करेंगे। एच जवाब देता है इतना मुश्किल नहीं है, जिस गोली से वोकस की मौत हुई है मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी, हमें वही से ट्विंस का पता चलेगा। ये लोग अब उस मार्केट में चले जाते हैं। ये वही एलियंस वाली मार्केट थी जहाँ पहली मरतबा ट्विंस भी वोकस का पता करने के लिए आए थे। वो यहाँ ट्विंस के बारे में एलियन से इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे कि इतने में ही इसी मार्केट के अंदर ट्विंस खुद ही आ जाते हैं। दूसरी तरफ MIB में एक एजेंट हाइटी को बताता है कि मरने से पहले वोकस ने मूली को एक क्रिस्टल दिया था, उस क्रिस्टल के बारे में इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि यही दोनों गद्दार हों। और ये बात हाइटी एजेंट एच और मूली को बता देते हैं कि तुमने जिस स्टोन के बारे में MIB को नहीं बताया उसी स्टोन की वजह से
उन लोग तुम्हें गद्दार समझ रहे हैं और तुम्हारे पीछे अब MIB के सारे एजेंट्स भी लग गए हैं। साफ मतलब था कि इन्हें अब अपने ही लोगों से जान बचा कर यहाँ से भागना था। बिना वक्त जाया किए एजेंट एच भागते हुए एक एलियन के पास जाता है। उसने सुपर बाइक बनाया हुआ था, ये बात एजेंट एच जानता था। वो सुपर बाइक लेकर जब तक मोली के पास पहुंचता है तब तक बहुत से MIB के एजेंट्स उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ चुके थे। वो जल्दी से मोली को अपनी बाइक में बिठाता है और तेजी से ये बाइक उड़ाता हुआ यहाँ से दूर आसमानों में गायब हो जाता है और MIB हाथ मलती रह जाती है। हम देखते हैं कि इनका सुपर बाइक आकर क्रैश हुआ था एक बहुत बड़े से रेगिस्तान में और यहाँ एजेंट एच मोली से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है जो तुम्हें फोकस ने दिया था और तुमने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मोली बिना सवाल जवाब के उसे वो क्रिस्टल दे देती है। हाथ में पकड़ते ही एजेंट एच को ये मालूम हो चुका था कि वो क्रिस्टल कोई आम नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक वेपन था। मोली एजेंट से कहती है, क्यों ना हम इसे ट्राई करें। एच कहता है, हाँ लेकिन सबसे हल्की स्पीड पे। ये लोग जब इसकी सबसे कम एनर्जी पे ट्राई करते हैं तो यहाँ जमीन में एक बहुत ही गहरी दरार आ जाती है जिसे ये लोग अंदाजा लगा चुके थे कि ये वेपन कितना ताकतवर है। ये सब देखकर मोली एजेंट एच से कहती है कि हम MIB वापस जाएंगे और उन्हें ये सारी हकीकत बता देंगे। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनकी बाइक में से एक छोटा सा एलियन निकलता है। ये उस एलियन का पेट था जिससे ये लोग बाइक लेकर आए थे। वो इनकी सारी बातें सुन चुका था। एक ही सेकेंड में वो इनके हाथ से क्रिस्टल चुरा लेता है और कहता है, ये इसे मैं मार्केट में बेचकर बहुत पैसे कमा लूंगा। ये कहते ही वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका था, गायब हो चुका था और ये दोनों देखते रह गए थे। वापस जाने का इनके पास एक ही रास्ता था, ये सुपर बाइक जॉब खराब हो चुकी थी, इसलिए दोनों मिलकर इसे रिपेयर करने का फैसला करते हैं। बाइक को रिपेयर करने के बाद MIB जाने से पहले इनका दूसरा मिशन था अपने क्रिस्टल को वापस हासिल करना, जिसके लिए ये लोग जाते हैं एक आइलैंड पे। ये आइलैंड एजेंट एच की एक्स गर्लफ्रेंड का है जहाँ पर सभी एलियंस इलीगली अपनी चीजें बेचते हैं। एजेंट एच खुद तो यहाँ इस लड़की से अकेला मिलना आता है और हम देखते हैं कि मोली पीछे पहाड़ों के रास्ते से ऊपर आ रही थी। शायद एजेंट एच अब कोई गड़बड़ी नहीं चाहते थे। वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को एक जार में बंधा हुआ छोटा सा एलियन देते हैं जिस एलियन को मोली ने एलियन मार्केट से चुराया था। ये लड़की इस एलियन को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी एजेंट एच के यहाँ आने का असल मकसद। बिना कुछ सोचे समझे वो अपने गार्ड्स को एजेंट एच को यहाँ से निकाल देने को कहती है। इससे पहले कि एजेंट एच को ये लोग यहाँ से ले जाते, खिड़की के रास्ते मोली यहाँ जाती है। वो अपने छोटे से एलियन से पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ कहीं क्रिस्टल नजर आ रहा है। एलियन के हाँ में जवाब देने पे वो रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन अब उसके सामने थी वही लड़की एजेंट एच की गर्लफ्रेंड जो मोली का भी मकसद जानती थी, इसीलिए वो मोली से लड़ना शुरू कर देती है। लड़ते हुए हम देखते हैं कि इस औरत के चार हाथ हैं, यानी वो भी एक एलियन है, इसीलिए मोली का उससे लड़ना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एजेंट एच भी अपने आप को बचाने के लिए उस एलियन के दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक इंसान का एलियन से लड़ना थोड़ा मुश्किल ही है। इससे पहले कि बॉडीगार्ड एजेंट एच को मार देता, मोली की नजर इस गार्ड पे जाती है। वो इस गार्ड को पहचान लेती है, ये वही एलियन था जो बचपन में मोली के घर आया था। मोली ने इसकी जान बचाई थी और उसकी जान बचाने पे जो लफ्ज इस एलियन ने मोली को कहे थे वो लफ्ज मोली को याद थे। वही लफ्ज वो मोली इस एलियन को जब कहती है तो इस एलियन को भी सब कुछ याद आ जाता है। वो मोली को कैसे भूल सकता था। वो अब इन दोनों को मानना छोड़कर अपने ही मालिक को मानना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि इन दोनों को शराफत से क्रिस्टल दे दो। ये लोग अब फाइनली क्रिस्टल लेकर बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि ये लोग MIB के ऑफिस पहुंच जाते हैं, इनके पीछे आ जाती हैं ट्विंस, जिन्हें वक्त पे मोली देख लेती है और उनके हमले से बच जाती है। अब वो क्रिस्टल से बहुत बड़ा सा वेपन बना लेती है इन दोनों से लड़ने के लिए, और इससे पहले कि वो वेपन का इस्तेमाल करती इन्हें मारने के लिए यहाँ MIB के एजेंट्स आ चुके थे जो अपने ताकतवर वेपन से ट्विंस को यहाँ खत्म कर देते हैं। ये देखकर मोली और एच दोनों ही खुश हुए थे। मोली यहाँ पर हाइटी को वो क्रिस्टल दे देती है जो उसे वोकस ने दिया था। सब वापस MIB के ऑफिस आ जाते हैं जहाँ इनका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, लेकिन ये सब देखकर एच को थोड़ा शक हुआ था। आज से पहले ऐसा सेलिब्रेशन यहाँ कभी नहीं हुआ था। उसे शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से CCTV फुटेज निकालता है उस टाइम की जब ट्विंस को मारा गया था, लेकिन देखता है कि फुटेज डिलीट हो चुकी है। इसीलिए वो अपने एक और एजेंट के पास जाता है। वो उसे फाइल के डिलीट होने के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये फाइल कौन डिलीट कर सकता है। एजेंट सी इन्हें बताते हैं कि फाइल डिलीट करने की अथॉरिटी सिर्फ एजेंट टी के पास थी और एजेंट टी अब गायब हो चुका था। उनकी नजरों से बच के उन्हें इस सेलिब्रेशन में फंसा कर इन्हें चकमा देकर वो भाग गया था। ये नहीं वही गद्दार था। इन्हें बहुत बड़े खतरे की भनक पड़ रही थी, इसीलिए एजेंट एच बिना वक्त जाया किए मोली को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं आईफल टॉवर की तरफ, क्योंकि इन्हें पता चला था कि हाइटी आईफल टॉवर भी है। वहाँ के रास्ते में एजेंट एच मोली को बताते हैं कि कैसे उसने अपना सबसे पहला मिशन
यही आईफिल टावर पे पूरा किया था हाइप नाम के एलियंस को मार के। मोली उसकी बातों से इम्प्रेस होते हुए से कहती है, मुझे बताए ना आपने उन्हें कैसे मारा। एजेंट एच जब उसे कुछ बताने वाले होते हैं तो वो बार बार एक ही बात रिपीट करने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस दिन की उनकी सारी मेमोरी डिलीट हो गई। ये लोग फाइनली अब हाइटी के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर हाइटी मोली को बताते हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं हाइटी हूँ? ऐसा नहीं है, हम हाइप्स हैं। इसका मतलब इतने सालों पहले हाइटी और एजेंट एच ने हाइप्स को मारा ही नहीं था, बल्कि हाइप्स ने इनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और आज तक वही गद्दार बन के MIB के साथ काम कर रहे थे। हाइटी के अंदर मौजूद हाइप इन्हें बताता है कि इतने सालों से बस मैं इसी क्रिस्टल का इंतजार कर रहा था जो अब मुझे मिल गया है और इसके बाद मैं अर्थ को तबाह करने का अपना मिशन पूरा कर सकूंगा। जब यहाँ के सारे इंसान मर जाएंगे तब मैं अपने साथ के सभी एलियंस यानी सभी हाइप्स को यहाँ ले आऊंगा। देखते ही देखते हाइप अपनी असली हालत में आ जाता है और ये लोग हाइप से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान मूली एलियन हाइप से वो क्रिस्टल लेने की कोशिश कर रही थी और लड़ते लड़ते वो क्रिस्टल उससे दूर गिर जाता है। हाइप्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, उसने इन दोनों को ओवर पावर कर दिया था और साथ ही यहाँ पे बना दिया था एक सिंक होल जिसके अंदर गलती से मूली चली जाती है। वो अब इस सिंक होल की गहराइयों में जा रही थी। इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाती यहाँ पर वो एलियन जिसे वो मार्केट से लेकर आई थी वो उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वहां से बाहर दुनिया में ले आता है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि हाइप ने एज को मारने के लिए उसे पकड़ा हुआ था। एज बिल्कुल मरने ही वाला था और तब वो हाइप से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं हाइटी है और वो MIB का सबसे अच्छा एजेंट था। उसके बाद कहते ही हाइप के अंदर मौजूद हाइटी उसके ऊपर हावी होने लग जाता है, इसलिए उसकी पकड़ एच पे कम हो जाती है। अब इससे पहले कि दोबारा हाइप्स हाइटी के ऊपर हावी हो जाते और वो एजेंट एच को मार देते, मूली जल्दी से यहाँ अपना क्रिस्टल ढूंढकर उसे बड़े से वेपन में चेंज करके हाइप्स के ऊपर हमला कर देती है। इस हमले से यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, वो सिंक होल जो हाइप्स ने यहाँ पे बनाया था वो भी खत्म हो जाता है और हाइप्स भी मारा जाता है। लेकिन बुरी बात यहाँ पर ये हुई कि हाइटी भी मारे गए थे जिनकी बॉडी के अंदर हाइप था। उनके मरने का इन दोनों को ही बहुत दुख था, खास करके एजेंट एच को क्योंकि वो उसके साथ ही थे। वो तो अपनी मिशन पूरे होने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतने में ही यहाँ MIB की सबसे सीनियर एजेंट ओ आ जाती है जिन्होंने उनका सारा काम देखा था। वो यहाँ मूली से कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया मूली, इसीलिए हम तुम्हें परमानेंट कर रहे हैं। वो इन दोनों को ही इतने अच्छे से इनका मिशन कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देती है और अब मूली को एक नया मिशन मिल जाता है, एक अपना मिशन जिसमें अब उसके साथ एच नहीं होगा। ये बात उसे थोड़ी उदास तो कर रही थी लेकिन जो भी था उसका ख्वाब पूरा हो चुका था और यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।